हेलो फ्रेंड्स, नेहा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज नेहा आप सबको इंस्टेंट सूजी का दही बड़ा बनाकर दिखाएगी। ये बहुत ही इजी मेथड से बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा और खाने में उतना ही यमी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंस्टेंट सूजी का दही बड़ा। इंस्टेंट सूजी का दही वड़ा बनाने के इंग्रेडिएंट: एक कप सूजी लगभग 300 ग्राम, एक कप दही फेटी हुई, 3 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटे चम्मच नमक, रिफाइंड ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी का दही वड़ा बनाना, जिसके लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है और अब हमारी जो सूजी है उसको इसमें 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सूजी को 2 मिनट ही फ्राई करें, उससे ज्यादा ना फ्राई करें, नहीं तो आपके वड़े अच्छे से बनेंगे नहीं। 2 मिनट हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस सूजी को एक प्लेट में निकाल देते हैं। हम पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल हीट करेंगे। ऑयल हीट हो गया है, हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को क्रैकल होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जीरा क्रैकल करने लगा है, हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। एक बात का ध्यान दें कि हमने 1 कप सूजी लिया है तो हमने 4 कप पानी डाला है। अगर आप 2 कप सूजी लें तो 8 कप पानी डालें और साथ ही में हम इसमें नमक डालेंगे और पानी को पूरी तरह उबलने दें। मेरा पानी अब खौल गया है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे, फ्लेम को लो पे रखें और सूजी को अच्छे से मिलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए हमारा जो पानी है वो सूख रहा है, हमें एक थिक पेस्ट बनाना है और कड़छी को लगातार चलाते रहें ताकि जो हमारा पेस्ट है वो थिक हो जाए। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमारे पेस्ट को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा सूजी ठंडा हो गया है, अब हम इसका वड़ा बनाएंगे। इसके लिए हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे सूजी चिपके ना। हम थोड़ा सूजी का पेस्ट लेंगे, हम इसको हथेलियों के बीच में रख के गोल करेंगे इस प्रकार और इसको उंगलियों से दबा के वड़ा का आकार देंगे और इसी प्रकार हम बाकी वड़े बनाएंगे। और दूसरी तरफ हमने पैन में तेल को गरम कर लिया है और अब हम हमारे बड़े को डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम को मिड पे रखें, हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा वड़ा एक तरफ से ब्राउन होने लगा है, हम इसे पलट देंगे। वड़ा हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम बाकी वड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा वड़ा कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और हम अब हमारे लास्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम दही डालेंगे, दही इतना डालें कि वड़ा पूरी तरह से ढक जाए। चटनी डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला। हमारा इंस्टेंट सूजी का दही वड़ा तैयार है। इसे बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सभी अपने घर में हमारी इस रेसिपी को बनाएं और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।